फ्रेंड्स, आज हम वीडियो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा हमें ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे जो 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर बैचलर कोर्सेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे या आप BSc करेंगे तो वहाँ PCEM में करेंगे तो वहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो इसलिए अभी इस वीडियो को इतना ध्यान से देखें, इतना ध्यान से देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हो जाए ताकि आगे आपको कहीं दिक्कत ना पड़े, समझने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, आज हम क्या करने स्टार्ट जा रहे हैं, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट पढ़ना है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो क्वाड्रेंट से लिंक्ड है और क्वाड्रेंट होता क्या है वो हमें देखना है। देखो, जैसे आपके पास ये मैंने क्या किया है, एक प्लेन को चार पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, ये एक्स और एक्स डैश रहता है और ये वाई और वाई डैश रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक एंगल होता है इसे हम कितना रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं और इस 90 डिग्री को पहले क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं और ये वाला जो आता है इसे हम क्या करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये वो होता है इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी इधर से 0 से लेके यहाँ तक क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री यानी अगर आप रेडियन में देखें तो इसे आप π/2 कह सकते हैं और ये वाला जो है ये कितना होगा, ये आपके पास 180 होगा जिसे आप पाई कहते हैं रेडियन में और ऐसे आप 180 कहते हैं। ये आपके पास 270 होगा और इधर आपके पास 2π/ कितना रहेगा, सॉरी 3π/ कितना रहेगा, 2 रहेगा और यहाँ दोबारा 360 पे आ जाता है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और ये इसको आप रेडियन में 2π कहते हैं। अब होता क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव होती है कौन सी, देखो जो आपके पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव रहती है। यानी इसमें क्या होता है, जो ऑल रेशियोज होती हैं वो क्या रहती हैं, वो पॉजिटिव रहती हैं और इसमें आपके पास साइन और क्या रहता है, कॉस एक्स जो है वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपके पास, वैसे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो रेशियोज पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए चेक करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यानी आफ्टर क्या कहते हैं हम, आफ्टर आफ्टर स्कूल टू कहाँ जाना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के लिए लिखते हैं इसमें कि हम स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे। तो ए फॉर क्या होता है, ऑल, और एस फॉर होता है आपके पास साइन एक्स और उसका रेसिप्रोकल आपके पास कोसेक एक्स, और टी फॉर यानी इसके मतलब होता है आपके पास जो आपके पास टेन एक्स, और आपका दूसरा रेशो कौन सा रहेगा, टेन का उल्टा जो रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स। और सी फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए क्या होता है, कॉलेज के लिए जाने के लिए यानी इसको हम कॉट एक्स लेते हैं या फिर आपके पास क्या होता है, कॉट का उल्टा आपके पास, सॉरी इसके पास कॉस कॉस एक्स या फिर कॉस एक्स या फिर कॉस एक्स का उल्टा रहता है सीकेंट एक्स। ये रेशियोज क्या रहती हैं, ये वाली इधर पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये वाली सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये वाली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहती है, पॉजिटिव, और ये क्या रहती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। इसके अलावा ये दो रेशियो पॉजिटिव होंगी तो बाकी सारी नेगेटिव, ये दो रेशियो पॉजिटिव होंगी थर्ड में तो सारी नेगेटिव। यानी आपने ये ध्यान रखना है आफ्टर स्कूल टू क्या करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रखना है, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी आपके पास क्या है, देखो अभी मैं इसे जैसे ही ये है इसमें क्या रहेगा, ऑल रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, उसके बाद इसमें क्या रहेगा आपके पास टेन, और टेन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट एक्स, ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है आपके पास कॉस एक्स, और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या रहता है सिकेंड एक्स, ये क्या रहता है पॉजिटिव। उसके अलावा जितनी दूसरी रेशियोज होती हैं सारी वो क्या रहती हैं, वो सारी रेशियोज आपकी नेगेटिव में रहती हैं, ठीक है, वो सारी रेशियोज क्या रहती हैं आपकी नेगेटिव में रहती हैं, जितनी भी बाकी रेशियोज होती हैं नेगेटिव में। अब जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज कितना है, 3.2 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन 5 है, जो 5 क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई हुई है, उसने 5 क्वेश्चन में आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको क्या दे रखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आपके पास कॉस एक्स है, ठीक है, जो आपके पास कॉस एक्स है,
कॉस एक्स इक्वस टू कितना है, कॉस एक्स इक्वस टू 1 - 1/2 है, और कहाँ लाई कर रहा है, लाई कर रहा है एक्स जो एंगल कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कॉस एक्स है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, कॉस एक्स क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है, तो कॉस एक्स देखो इसमें थर्ड में क्या रहता है, टैन और कॉट पॉजिटिव, उसके बाद बाकी रेशियो जैसे साइन हो गया, ठीक है, आपके पास कॉस हो गया, ठीक है, कॉट तो पॉजिटिव रहता है, कोसेक एंड जो सिकेंट है, कोसेकेंट एंड सिकेंट वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब हमें इसे क्या कहता है, आपको अदर रेशियोज फाइंड करनी है, यानी फाइंड क्या करना है, अदर फाइव रेशियोज फाइंड आपने करना है, क्या अदर फाइव रेशियोज, अदर फाइव रेशियोज के लिए क्या करेंगे आप, उसमें आप देखिए अभी कैसे करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए आपके पास जो कॉस एक्स है वो इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, पहली रेशियो तो कॉस एक्स निकली है, लेकिन दूसरी रेशियो क्या होगी, दूसरी रेशियो होगी जो इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, जो रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल होता है दैट इज सिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स होता है कितना, 1/cos x होता है, ठीक है, 1 तो अपनी जगह लिखिए, अपन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो -1/2 है, इसे हम कहेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास -2, नीचे से उठ के डिनोमिनेटर क्या कहाँ चलेगा, अपर चला जाएगा, सो आपके पास जो सिकेंट एक्स है, जो सिकेंट एक्स है वो इक्वल टू कितना रहता है, -2 रहता है, ये आपके पास क्या हो गया, हमने एक रेशो निकाल दी, एक ऑलरेडी निकली हुई है, एक निकाल दी। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, वी नो, हमें पता है एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने 10th में ही पढ़ा है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो कितना रहता है, इक्वल्स टू 1 रहता है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, कॉस की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, ये तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कॉस चाहिए, मैं कॉस स्क्वायर को यहाँ ही रहने देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स अपनी जगह रहेगा, 1 भी अपनी जगह रहेगा, साइन वहां चला जाएगा दूसरी साइड, तो क्या होगा एक्स, यहाँ इस साइड जो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या था वो आपके पास पॉजिटिव था, जब आपका लेफ्ट हैंड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या होगा दूसरी साइड, 1/sin² x, और इसका क्या करना है आपने, रूट लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, जो आपके पास कॉस का वैल्यू निकली हुई है, तो अगर कॉस का वैल्यू निकालना तो ऐसे रहेगा, लेकिन अगर आपको साइन का वैल्यू निकालना है इसी फॉर्मूले से, तो साइन कैसे निकलेगा, आपके पास साइन जैसे सिमिलरली कॉस निकाला ऐसे ही आपने क्या करना है, साइन एक्स, और अनरूट कितना लिखना है, 1 - cos² x, ठीक है। आप दूसरी रेशियोज भी क्या कर सकते हैं, ऐसे इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास जैसे मैंने इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 किया, और कॉस स्क्वायर का आता है 1 - sin² फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया दूसरी साइड, ऐसे ही सिमिलरली कॉस की जगह मैं इधर साइन लिखूं और ब्रैकेट के अंदर जो रूट के अंदर 1 लिखूं, माइनस क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो अब क्या होता है, ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ कॉस निकला हुआ है इसे नहीं निकालना, ये मैंने सिर्फ इसको देख के आपको फाइंड करने के लिए दिखा रहा था, अभी ये रेशियो तो ऑलरेडी निकली हुई है, ये वाले मैंने निकाल दिया, अब मैं साइन निकालूंगा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स होता है, ठीक है। हाँ आगे अब देखिए, जैसे मैंने अभी निकाला लास्ट साइड में साइन एक्स 1 - cos² x, और साइन एक्स 1 तो 1 रहेगा, लेकिन कॉस के वैल्यू कितना है, कॉस के वैल्यू अभी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 y कितना, -1 y 2, अभी इसी को देखते हुए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इधर से सॉल्व करता हूँ इसे, तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये आएगा, अनरूट ऐसे ही रहेगा, 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 और अपॉन 4, ठीक है, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 * 1 कितना होगा, 4 होगा, और -1 अपॉन कितना, √4 होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आता है, तो 4 से 1 निकालो कितना, √3 अपॉन कितना रहता है, √4 में अलग अलग कर देता हूँ, और √3 आपको पता है जो 4 होता है वो कितना होगा, √2 होगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, अभी जो साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स कितना आ रहा है, वो आपके पास √3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, एक चीज यहाँ ये है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में है, तो इधर आपको माइनस लगाना है बिना बोले, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी 4 रेशियो नेगेटिव रहती हैं
और दो क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैं कोसेक एक्स निकालना चाहूँ जिसे कोसिकेंट कहते हैं, तो वो होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो आपके पास वन अपॉन कितना आएगा, वन अपॉन माइनस अंडरूट थ्री वाई कितना आएगा, टू आएगा, जिसे आप क्या लिखेंगे, जिसे आप टू अपॉन कितना रूट थ्री लिखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे माइनस। तो आपके पास कोसेक एक्स जो है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है टू बाई रूट थ्री। ठीक है, अब ये कौन सी रेशियो आ गई, ये आपकी फोर्थ रेशियो आ गई। सिमिलरली आपने क्या करना है, अब आपके पास क्या आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, सॉरी साइन आ गया, कॉस आ गया, कोसेक आ गया और सेक आ गया। अब टेन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, टेन बहुत इजी है। जो टेन एक्स होगा वो कैसे होगा, जो टेन एक्स होगा वो आपके पास क्या रहेगा, जो टेन एक्स होता है वो आपके पास साइन एक्स अपन कितना होता है, कॉस एक्स रहता है। ठीक है, टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स अपन कितना रहता है, कॉस एक्स रहता है। अब देखिए, अब साइन की वैल्यू जो है वो आप पुट करिए, साइन की वैल्यू मैंने अभी क्या किया, क्वेश्चन में ये निकाली है, साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस रूट थ्री वाई कितना, टू आ रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस की वैल्यू कितनी है, देखो कॉस की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है, माइनस वन वाई कितना, टू लिखी है। अब क्या होता है, देखो अगले से ये माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, अगले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थ्री बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, टू बाई वन। ठीक है, ये वाला अपनी जगह रहेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल, इक्वल टू कितना आ रहा है, अनरूट थ्री आ रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जाना है। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। सो टेन आपके पास कितना आएगा, टेन आपके पास क्या आएगा, टेन एक्स जो होगा वो आपके पास रूट थ्री आएगा। ये कौन सी फिफ्थ रेशियो निकल रही है। अच्छा, कॉट एक्स क्या होता है, एंड जो लास्ट में क्या है, कॉट एक्स आपके पास वो रहेगा रेसिप्रोकल ऑफ किसका, टेन एक्स का, यानी वन वाई कितना होता है, टेन एक्स होता है। तो वन वाई टेन एक्स यानी रूट थ्री, तो आपका विच एम्प्लाइज जो कॉट एक्स होगा वो कितना रहेगा, वो आपके पास वन अपॉन कितना रूट थ्री रहेगा। ये आपको क्वेश्चन फाइंड करना था। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसे क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साइन एक्स, साइन एक्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड है वो क्या है, साइन एक्स इक्वल्स टू कितना है, साइन एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव, और एक्स का कर रहा है लाइज, एक्स लाइज कर रहा है इन किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका लाई कर रहा है। अब एक्स किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसे कैसे फाइंड करना है, इसे भी वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन किया था, बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आते हैं और आई आई टी जे में आते हैं ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी, और लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज किया जाता है, वहाँ पे आपके पास जो है एल्जेब्रिक में रहता है, जो एक्स वाई की टर्म्स में ज्यादा रहता है, तो एंगल को थीटा में चेंज किया जाता है, वहाँ पे ऐसे करना होता है। अब देखो मैं उसी की तरह सेम करूंगा, सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या आएगा, देखो जो आपके पास रेसिप्रोकल किसका है, ठीक है, यानी वी नो जो आपके पास साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स होता है, वो किसके बराबर आता है, वन वाई साइन एक्स आता है। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखो क्या क्या पॉजिटिव रहता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, और स्कूल मतलब साइन और कोसेक क्या रहता है, पॉजिटिव। ये दोनों रेशियो साइन पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा जितनी भी चारों रेशियो होंगी वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखिए वन वाई साइन एक्स, साइन की वैल्यू कितनी है, थ्री बाई फाइव है, तो इधर लिखिए थ्री बाई फाइव, ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये फाइव बाई कितना रहेगा, थ्री। सो कोसेक एक्स कितना हो गया, कोसेक एक्स आपके पास फाइव बाई थ्री हो गया। ये भी आपने कितना रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिव रखने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, क्वाड्रेंट को मत भूलिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आगे देखिए क्या होता है, आगे हमें क्या करना है, जो आगे हम करने जा रहे हैं, आगे आपको दो रेशियोज तो हमने फाइंड कर दिए, एक रेशियो आपके पास ये वाली रेशियो फाइंड कर दिया और दूसरा रेशियो आपके पास ऑलरेडी है। अब इनको लेते हुए और इसको लेते हुए यूज करते हुए मैं कौन सी रेशियो निकाल सकता हूँ, मैं सिंपली पहले कॉस एक्स को लूंगा, कॉस एक्स को लेते हुए रेशियो फाइंड करूंगा, कॉस एक्स को लेते सॉरी साइन एक्स को लेते हुए कॉस एक्स फाइंड करूंगा, तो वो क्या आएगा आपको बताए, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया जो आपके पास कॉस एक्स होता है वो कितना रहता है, कॉस एक्स कितना रहता है, कॉस एक्स आपके पास जो होता है वो वन अनरूट वन माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स रहता है। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहता है। अब क्या होता है, देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा,
आपके पास जो वन है वो तो वैसा ही रहेगा, वन माइनस साइन का वैल्यू, साइन कितना है आपके पास, साइन आपके पास 3/5 है, तो आप क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास √1, 3 का स्क्वायर कितना रहता है 9 रहता है, अपॉन कितना रहता है 25, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसे द्वारा करेंगे, तो 25 से इधर मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए, 25 - 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 25 रहेगा, ठीक है 25 रहेगा, और इनके ऊपर क्या है रूट है, 25 से 9 निकालेंगे तो वो 16 रहता है, अपॉन कितना 25, और इनका क्या रहेगा आपके पास रूट, 16 का रूट 4 होता है, 25 का कितना रहता है 5। सो आपके पास कॉस एक्स कितना आ रहा है, कॉस एक्स आपके पास -4/5। अब बोलेंगे यहाँ तो +4/5 था, माइनस कैसे, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट में क्या कहता है आपके पास, जो क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, जो क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले में ऑल, दूसरे में सिर्फ साइन एंड क्या रहता है कॉस, साइन एंड कोसेक रहता है, थर्ड में आपके पास ठीक है टैन और क्या रहता है कॉट रहता है, और नेक्स्ट में क्या रहता है आपके पास कॉस और कोसेक पॉजिटिव रहता है। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास साइन और कोसेकेंट जो है पॉजिटिव हो रहा है, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारे चार रेशियोज क्या रखनी है मैंने, नेगेटिव रखनी है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है कॉसेक्स आ रहा है। अब देखो मैंने तीन रेशियोज फाइंड कर दिए, कॉस एक्स कर दिया, अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, जो सिकेंट होता है, सिकेंट कैसे होता है, सिकेंट जो होता है सिकेंट एक्स वो होता है 1/ क्या कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का यानी रेसिप्रोकल करना है, तो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल कितना होगा -4/5, ठीक है, विच एम्प्लाइज जो आपके पास कॉस एक्स होगा वो कितना रहेगा, वो आपके पास 5/4 रहेगा, लेकिन नेगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखो कितनी रेशियो आ गई, दो दो मैं पहले निकाल चुका हूँ और दो मैंने रेशियो और निकाल दिया, तो अब मेरे पास क्या रहता है, मैंने आपके पास साइन और कोसेक निकाल दिया, कॉस और के निकाल दिया। अब देखो टैन क्या होता है, टैन का अभी मैंने किया, ठीक है, टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है साइन एक्स अपान कितना रहता है कॉस एक्स रहता है। देखो अब साइन की और कॉस के वैल्यू में क्या करो, डिवीजन करिए, साइन की वैल्यू जो आपके पास है मैं अभी फाइंड किया, साइन की वैल्यू यहाँ फाइंड करके रखिए कितनी आ रही है, साइन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कितना 3/5, तो मैं कितना लिखूंगा साइन की जगह 3/5 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कितना करना है कॉस की, तो कॉस की वैल्यू कितनी है -4/ कितनी 5, देखो क्या होता है ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है बहुत प्यारा सा 3y कितना 4 यानी 3/4, तो टेन एक्स कितना आ रहा है, टेन एक्स आपके पास जो टेन एक्स है वो आपके पास आ रहा है -3/4, ये आपके पास कौन सी फिफ्थ रेशियो आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल फाइनल क्या है, लास्ट जो आपके पास क्या है वो है आपके पास कॉट एक्स, कॉट एक्स होता है किसका रेसिप्रोकल टेन एक्स का, तो टेन एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे 1y - 3y 4, वो आपको विच एम्प्लाइज जो कॉट एक्स रहेगा वो कितना रहेगा 4y कितना हो जाएगा 3 माइनस में, ठीक है, ये क्यों, क्योंकि लड़का लाई कर रहा है सेकंड में, तो सेकंड में दो रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद जितने भी रेशियो होंगे वो सारी क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही सारे आगे तीन पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, वो आपने क्या करना है डू योर सेल्फ करना है, डू योर सेल्फ सभी में एक ही मेथड है, ठीक है, जिसे जो दिक्कत आएगी उसमें करने में वो मुझे क्या करेगा कमेंट करेगा और वहाँ पूछेगा, हम बहुत पोलाइटली और बहुत हम्बली आपको उसके सॉल्व करके जो भी दिक्कत होगी आपको हेल्प सॉल्व करने में वो हम सारा हेल्प प्रोवाइड करेंगे और हम उसे सॉल्व करेंगे और आपको करके देंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6th है, क्वेश्चन नंबर 6th में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपने क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास चैप्टर का ही नाम क्या है फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस दिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो मैथमेटिक्स के फंक्शंस होते हैं उस पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6th है, ये क्वेश्चन है 6th और 7th ऐसे, तो आपके पास 6th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है साइन 765 डिग्री इसे फाइंड करिए, साइन 765 डिग्री है इसे फाइंड करना है,
तो साइन 765 डिग्री, सबसे पहले इसे आप 360 का मल्टीपल करिए। अगर मैं 360 का मल्टीपल करता हूँ तो 360 इंटू 2 करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 360 इंटू क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं 360 इंटू 2 करता हूँ, यहाँ पे 360 इंटू कितना करता हूँ, 2 करता हूँ, तो आपके पास 200 6 12 एंड 3 6 और 7 720 आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कितना है, 765 है। अगर मैं इसे 765 करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 720 प्लस कितना करूँ, 45 करूँ, तो 65 हो जाएगा। तो यानी आपके पास जो ये कितना है, 360 क्या हो गया, ये 360 आपके पास मल्टीपल किसका हो गया, पाई का, यानी इसे हम 2π कहते हैं। आपने देखा होगा जो आपके पास 2π प्लस थीटा होता है, चाहे वो साइन हो कॉस हो, वो क्या रहता है, साइन थीटा रहता है, ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास 2π बाय, मान लीजिए आपके पास साइन ये रहता है पाई प्लस थीटा रहता है, तो क्या रहता है आपके पास, साइन थीटा ही रहता है। ये कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। यानी आपके पास, तो अगर आपके पास साइन पाई माइनस थीटा रहता है तो वो क्या होता है, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा आपने पढ़ा है वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में आता है, कॉस थीटा आ जाता है। तो इधर अभी आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, आपने सॉल्यूशन में ऐसे करना है साइन, और आपने कितना लिखना है, जो 2 इंटू कितना 360 प्लस कितना 45, ये कितना आ रहा है, 765 का सम आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो 2 इंटू कर रहे हैं तो आपके पास साइन, इससे मैं रेडियन में ले आता हूँ, देख आपके पास कितना आ रहा है, 2 इंटू 360 को कितना हम करेंगे, वो आपके पास 2π आता है, यानी वो 1π कितना होता है, 180, यानी रेडियन में पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है रेडियन में। सो 2 इंटू कितना, 2π प्लस 45, ठीक है। आपके पास ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन 4π प्लस कितना आ रहा है, 45। यहाँ पे आपने देखना है सर, 10π हो या 100π हो, कुछ भी हो, वो आपको कंसीडर कैसे करना है, उसे ऐसे लिखना है, साइन आपने पाई प्लस थीटा लिखना है, पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू। सो अब ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा साइन 45 आएगा, ठीक है। ये वाला आपने कंसीडर नहीं करते हैं फॉर्मूले में, जैसे ये साइन पाई प्लस थीटा है तो आपने सीधा साइन थीटा, साइन 45 कितना होता है, वो होता है आपके पास 1/√2। सो आपके पास जो वैल्यू है, रेशियो है, वो क्या है, आंसर आपके पास 1/ कितना है, √2 है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे हम, कौन सा, 7 क्वेश्चन। जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में क्या कहता है, जो 7 है उसमें आपके पास 7 क्वेश्चन में कुसेक दिया हुआ है। तो कुसेक आपके पास कितना है, कुसेक आपके पास उन्होंने x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी कुसेक x नहीं, आपके पास कुसेक जो है, सॉरी गलती से लिख दिया, आपके पास कुसेक जो है माइनस कितना है, दिस 1410 डिग्री, ठीक है। अब 1410 डिग्री है, अब इसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आप 360 का मल्टीप्लाई करें, 360 का 4 से मल्टीप्लाई करें, तो आई होप आपको वहाँ पे इसका क्या है, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं 360 को देखो, 360